डेंगू मलेरिया नियंत्रण हेतु निगम का विशेष दस्ता एवं जिला मलेरिया विभाग के सर्विलेंस कार्यकर्ताओं की संयुक्त टीम द्वारा घर घर जाकर गृह भेंट कर सर्विलेंस सर्वेक्षण एवं मच्छर उन्मूलन हेतु स्प्रे पंप द्वारा पानी मिश्रित टेमीफॉस मेलाथियान का छिड़काव कार्य संपादित किया जा रहा है। साथ ही भीषण गर्मी के मौसम में किस तरह से खुद को बचाए रखे इसके लिए भी पॉम्पलेट बांटकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उपरोक्त सभी सर्वेक्षित घरों में गृह भेंट के दौरान कूलरों एवं संग्रहित कर रखे गए टंकी एवं कंटेनरों के पुराने पानी को प्रति 3-4 दिन में खाली करना है और सुखाकर ही नया पानी भरकर उपयोग करना है, इसकी समझाइश दी जा रही है। टंकी कंटेनरों में संग्रहित कर रखे गए पानी को ढककर रखने की समझाइश भी दी गई है ताकि मच्छरों के लार्वा की उत्पत्ति ना हो पाए। साथ ही चेतावनी भी दी जा रही है कि यदि दोबारा ऐसा पाया गया तो चालानी कार्रवाई की जा सकती है। निगम भिलाई का स्वास्थ्य अमला पूरी मुस्तैदी से युद्ध स्तर पर अपने कार्यों को अंजाम देता नजर आ रहा है, जिससे निगम क्षेत्र में निवास करने वाले अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके और स्वस्थ रह सके। इसके साथ ही भीषण गर्मी में आम जनता खुद को किस तरह से बचाए इसकी समझाइश भी देते हुए पॉम्पलेट का वितरण किया जा रहा है। निगम भिलाई के वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक KK सिंह ने यह भी बताया कि जागरूकता कार्यक्रम का असर भी अच्छा देखने को मिल रहा है और निगम क्षेत्र में निवास करने वाले जनता अब जागरूक हो रही है। निगम आयुक्त महोदय के आदेशानुसार हमारी एक स्पेशल टीम है जो मौसमी बीमारियों और जल जनित बीमारियों से बचाव हेतु घर घर गृह भेंट करके जन जागरूकता जन समुदाय को जागरूक किया जा रहा है। सर्विलेंस सर्वेक्षण किया जा रहा है, घर घर कूलर टंकी चेक किया जा रहा है, कहीं अगर पुराने पानी जमा है या मच्छर के लार्वा मिल रहे हैं उसको नष्ट किया जा रहा है। भीषण गर्मी लू से बचाव हेतु हम पंपलेट बांट रहे हैं। सर्विलेंस सर्वेक्षण के समय घर घर भेंट के समय भीषण गर्मी लू से बचाए हुए तो उनको उपाय बताए जा रहे हैं। सूती कपड़ा पहने, खाली पेट घर से न निकलें, पानी ज़्यादा मात्रा में पिएं, तरल पदार्थ ज़्यादा लें, जूस वगैरह ज़्यादा लें, सिर दर्द होता है, चक्कर आता है, ऐसे स्थिति में आप मितानिन से संपर्क करें, नज़दीकी अस्पताल जाएं। संबंधी जो है हम आम नागरिकों को स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग डेंगू मलेरिया से बचाए हुए तो हम प्रतिदिन जो है 60 से 70 घर घूम रहे हैं, सबसे संपर्क कर रहे हैं, कूलर टंकी कंटेनर चेक कर रहे हैं, जहाँ भी पुराने पानी मिल रहे हैं उनको हम साफ कर रहे हैं, जहाँ लार्वा मिल रहे हैं उनको हम अपने समक्ष पानी में से टेमीफॉस डाल के उसको नष्ट कर रहे हैं। और आम जनता को भी कह रहे हैं कि हर 3 से 4 दिन में पुराना पानी साफ करें, सुखाएं और नया पानी भरें ताकि मच्छर लार्वा की उत्पत्ति ना हो। हाँ, पॉम्पलेट भी हम बांट रहे हैं। भीषण गर्मी लू से बचाव संबंधी पॉम्पलेट बांट रहे हैं, डेंगू मलेरिया से बचाव संबंधी पॉम्पलेट बांट रहे हैं, डायरिया से बचाव के लिए पानी उबाल कर पिए, बासी भोज्य पदार्थ का सेवन न करें, घर के ताजे गर्म भोजन ही सेवन करें, संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जा रही है। पॉम्पलेट के माध्यम से आम नागरिकों को जागरूक भी किया जा रहा है। आम नागरिकों में जागरूकता आ रही है, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से आम नागरिकों में आने वाले बरसात के मौसम को देखते हुए यह अपील करना चाहता हूँ कि लोग अपने घर में कम से कम जिस टंकी में कंटेनर में पानी संग्रहित करके रखते हैं उसको हर 3-4 दिन में साफ करें, सुखाएं और नया पानी भर के ही उपयोग करें। कूलर जो खिड़कियों में लगा है, बीच बीच में जो बारिश हो रही है, बारिश का पानी जाता है, बारिश का पानी जमा होता है उसमें मच्छर लार्वा उत्पत्ति की संभावना बनी रहती है। कूलर का भी पानी 3-4 दिन में साफ करके सुखा करके ही नया पानी भरें जिससे हमारे मच्छर लार्वा की उत्पत्ति न हो और डेंगू मलेरिया से बचा जा सके। निगम भिलाई का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि निगम क्षेत्र के रहवासी किसी बीमारी की चपेट में न आ जाए और मौसमी बीमारियों से बचे रहे, परंतु अब भी कई हिस्सों में आम लोगों द्वारा मनमानी करते देखा जा रहा है जिससे वह खुद परेशान होकर आस पड़ोस के लोगों को भी परेशानी में डाल रहे हैं। ACN न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।